आदरणीय अध्यक्ष जी, आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति की गहमा गहमी अपनी जगह पे है, राजनीति क्षेत्र के लोगों की अपनी आशा आकांक्षा अपनी जगह पे है, लेकिन देश की अपेक्षा, देश की आकांक्षा, देश का सपना, देश का संकल्प ये बन चुका है। 25 साल वो हैं जो देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा। ১৯৩০ में जब महात्मा गांधी जी ने दांडी की यात्रा के लिए नमक का सत्याग्रह था, घोषणा होने के पहले लोगों को सामर्थ्य नजर नहीं आया था, चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह की परंपरा हो, चाहे नमक का सत्याग्रह हो, उस समय तो घटनाएं छोटी लगती थी, लेकिन 1947 वो 25 साल का कालखंड, उसने देश के अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया था, हर व्यक्ति के दिल में वो जज्बा पैदा कर दिया था कि अब तो आज़ाद होकर रह रहा है। मैं आज देख रहा हूँ कि देश में वो जज्बा पैदा हुआ है, हर गली मोहल्ले में हर बच्चे के मुंह से निकला है कि 25 साल में हम विकसित भारत बना के। इसलिए ये 25 साल मेरी देश की युवा शक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है, और हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि 25 साल में देश विकसित भारत न बने। हर किसी का सपना है, कुछ लोगों ने सपने को संकल्प बना लिया है, कुछ लोग शायद संकल्प बनाते देर हो जाएगी, लेकिन जुड़ना हर एक को होगा, और जो जुड़ भी नहीं पाएंगे और जीवित होंगे तो फल तो जरूर खाएंगे।